नमस्कार, हमारी खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका कुतारा। तो हम बात कर रहे हैं आज, जो क्या सिर्फ योजनाएं लागू करने से काम चलेगा, व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, ये एक अहम सवाल है जो बल्लभगढ़ के बापूनगर में सामने आए मामले से सामने आता है। तो सुविधा कम, समस्या ज्यादा, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं 8 महीने पहले स्लिम हाउसिंग प्रोजेक्ट की, जहां पर बापूनगर में करीब 150 जो गरीब लोग हैं उनको हाउसिंग दिए गए थे, लेकिन उसकी जो देखरेख है, उनकी सुविधाओं पे अभी भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान जब राजनीतिक बिसाते बिछती हैं, तो लगभग सभी सियासी दलों की निगाहें गरीब वोट बैंक पर गड़ जाती हैं। सत्ता के इस खेल में चुनावी घमासान के दौरान सियासतदान गरीबों के सबसे बड़े हमदर्द नजर आते हैं, लेकिन चुनावी मौसम बीत जाने के बाद गरीबों के वादे और दावों की खोखली परत को गिरने में देर नहीं लगती। बल्लभगढ़ का बापूनगर आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 8 महीने पहले तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान 150 गरीब परिवारों को स्लिम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत फ्लैटों में शिफ्ट किया गया था, पर सरकार ने सिर्फ मकान दिए, सुविधाएं नहीं। ना तो अब तक बिजली के कनेक्शन मिले हैं, ना ही पीने का पानी मिल पाया है, और सफाई का अंदाजा इन तस्वीरों को देख कर आप खुद ही लगा सकते हैं। स्थानीय लोग ये कहने को मजबूर हैं कि उनका जीवन अब पहले से भी ज्यादा बदहाल हो गया है और वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि यहाँ भी सरकार ने सुविधाएं तो दी, लेकिन उस सुविधाओं योजनाओं का क्या हाल है, दूर दूर तक सुध लेने वाला नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिरकार योजनाओं को अपने मुकाम तक पहुँचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल, सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है। स्लम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 8 महीने पहले लोगों को सुविधाएं देने की तो बात कही गई थी, घर भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उसकी सुध लेने वाला अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। मूलभूत सुविधाओं से लोग परेशान हैं, वहां पर बिजली पानी की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं। करीब 150 परिवारों को आवंटित किए गए थे फ्लैट, और गरीबों को फ्लैट तो मिले लेकिन सुविधाएं नहीं मिली है। तो सुविधा कम है, समस्या ज्यादा है लोगों को। स्थानीय लोगों का प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है स्थानीय लोगों ने, क्या सिर्फ योजनाएं लागू करने से बनेगी बात। बिल्कुल, सवाल हमारा ये है कि क्या योजनाएं जो लागू कर दी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र, लगातार यहाँ पर स्लम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को मकान तो दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद सुविधाओं का आभार अभी भी बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फ्लैट आशियाना स्कीम के तहत इन्होंने लॉन्च किए थे और जेएनएनआरएम के तहत लॉन्च किए गए थे जी। ये पहली योजना थी फरीदाबाद के अंदर जो जेएनएनआरएम के तहत यहाँ पर लाई गई थी जी। लेकिन उसको भी सरकार इनको आवंटित करने की नीति नहीं बना पाई पिछली जो सरकार रही जी। और उसका नतीजा ये हो गया, इसमें मतलब बहुत सारे फ्लैट आज भी खाली पड़े हुए हैं, और जो जिनमें लोग बसा दिए गए वो भी आज सुविधाओं के अभाव में वहाँ पर पड़े हुए हैं जी। जी राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितने परिवार वहां पर रह रहे हैं और करीब कितने मकान खाली पड़े हैं। देखिए, टोटल 2835 के करीबन ये फ्लैट यहाँ पर बनाए गए थे डबुआ कॉलोनी में और बापूनगर में जी। लेकिन आज तक ये जो पूरे तरह से भर नहीं पाए, और जिन लोगों को वहां पर दिया गया वो भी आज तक वहां पर जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में वहां पर अपने बच्चों को लेकर रह रहे हैं, लेकिन वो भी खुश नहीं है। जी राजेंद्र, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी जीतराम जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी जीतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। हाँ जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं आपको पेश आ रही है वहां पर। यहाँ पर जी अभी तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए जनरेटर लगाओ मगर उसमें डीजल नहीं रहता, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। जी जीतराम जी, आप वही उस सोसाइटी में रह रहे हैं। हाँ जी, वही रहते हैं जी। और कितने लोग आपके साथ वहाँ रह रहे हैं, और क्या कुछ और सुविधाएं नहीं मिलती है क्या अभी, आपकी अभी वहाँ पर 150 लोगों को ही वो फ्लैट दिए गए हैं जी। जी जीतराम जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने आपकी जो समस्या है उसको लेकर आप विधायक के पास गए या फिर किसी अधिकारी के पास गए। विधायक जी से अभी नहीं मिले हैं, हम अधिकारियों से मिले हैं जी। बिजली बोर्ड के जई साहब से बात की हमने जी, और अपने ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिले जी, और विधायक जी से नहीं मिले। विधायक जी से तो मिलते ही खत्म हो जाएंगी समस्याएं, हम अभी हम उनसे मिले नहीं, मिले अधिकारी लोग ही कर दे तो अच्छा है।
जी जी इतराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? हाँ, वो कह रहे हैं जी जल्दी कराएंगे, आपके मीटर लगवा के फिर कनेक्शन दिलाएंगे और पानी भी सुचारू रूप से, इस तरह कहते हैं, अभी कराया कुछ नहीं है जी। जी जी इतराम जी, आप कितने समय से उन फ्लैटों में, उन सोसाइटियों में रह रहे हैं? लगभग जी 5-6 महीने हो गए जी। बिल्कुल जीतराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हमारे संवाददाता जी। राजेंद्र, हमारी बात हुई है स्थानीय निवासी से, वो कह रहे हैं कि वो अधिकारी से तो मिले हैं, वो विधायक से भी मिलने जाएंगे, लगातार 5-6 महीने हो गए हैं लेकिन यहाँ पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल सत्य बात है, और दूसरी बात ये है कि चुनाव से पहले जो है ये लोग यहाँ पर बसाए गए थे, लगभग 900 के करीबन यहाँ पर ये फ्लैट से है, जिसमें से मात्र 150 लोगों को यहाँ पर बसाया गया जी। और 150 लोग भी आज पानी और बिजली मूलभूत जैसी सुविधाओं के लिए जी रहे हैं, आज तक इनको पानी और बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। बिल्कुल राजेंद्र जी, क्या आपकी बात हो पाई है किसी अधिकारी से इस पूरी समस्या को लेकर? जी बिल्कुल, नगर निगम के अधिकारियों से हम मिले तो उन्होंने दौरा करने की बात कही वहाँ पर जी, और ये भी कहा कि भाई जल्दी इसका निपटारा भी करेंगे और जल्दी इन लोगों की जो समस्या है उसको समाप्त करवाएंगे जी। लेकिन लगता नहीं, जिस तरीके से पिछले 5 साल में जो पिछली सरकार थी जी, उसने फ्लैट्स बनाए और उसके बावजूद यहाँ पर जो है ये सुविधा नहीं कर पाए, तो उससे लगता नहीं है कि जल्दी से इनका कोई निपटारा हो पाएगा जी। राजेंद्र, जैसा कि बताया कि पहले की जो सरकार थी उससे चुनाव से पहले उनको मकान दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब चुनाव नजदीक आ रहे थे तब उनको मकान दे दिए गए ताकि उनको वोट मिल सके, लेकिन उसके बाद इसकी सुध किसी ने नहीं ली है। जी बिल्कुल, उन्होंने भी इस लालच से दिए होंगे, हो सकता है, लेकिन दूसरी जब सरकार बदली तब भी इन लोगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, 6 महीने इनको बीत चुके हैं रहते हुए और अभी तक इनकी कोई सुध लेने वाला वहां पर नहीं है जी। खुद ही जा के मिल रहे हैं, लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है जी। तो यही कहा जाएगा कि भाई कोई भी इनका जो जो इनकी बुनियादी समस्या है इनको कोई भी सुलझाने के लिए तैयार है नहीं जी। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल समस्याएं जो हैं वो लगातार ज्यों की त्यों बनी हुई है, गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर है। स्लम हाउसिंग प्रोजेक्ट जरूर बनाया गया, उसके बाद गरीबों को करीब केवल 150 गरीबों को वहां पर मकान दिया गया, बाकी कई मकान अभी भी वहां खाली पड़े हैं, लेकिन जो मकान तो दे दिया गया है लेकिन उसके बाद जो समस्याएं पेश आ रही है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इससे पहले हुड्डा सरकार थी तब वो जल्दबाजी में मकान तो आवंटित कर दिए गए थे, उसके बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। योजनाएं यहां बनाई जाती हैं लेकिन उसके बाद योजनाओं के बाद असलियत में जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई है उसको कोई देखने वाला नहीं है। जो हमारी स्थानीय निवासी भी से भी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि वो लगातार अधिकारियों से मिलते रहते हैं, उनको महज आश्वासन ही मिलता है। उनका कहना है कि वो समस्याओं को सुलझाने की बात तो करते हैं। तो हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए सतवीर डागर जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पे। वेलकम मैडम, थैंक यू जी। सतवीर जी, ये जो लागू योजना लागू की गई थी, स्लम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो लागू किया गया था, 150 मकान उसके बाद आवंटित किए गए थे लेकिन उसके बाद कई मकान खाली पड़े हैं, कांग्रेस सरकार थी उस समय और गरीबों को ये मकान जरूर दे दिए गए, उसके बाद जो समस्याएं आ रही है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए मैडम, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए वो गरीबों के हित के लिए किए, और जो स्लम झुग्गी झोपड़ियां फरीदाबाद में थी, केवल बापू, आप 150 की बात नहीं कर रहे, 3000 से ऊपर मकान बनाए गए हैं फरीदाबाद के अंदर। और हमारी सरकार ने जो पीछे रही हमारी हरियाणा कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश की जो सरकार कांग्रेस की थी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनके प्लॉट भी है, अपने फ्लैट दिए हैं, जिनके पास पेपर थे उनको अलॉट कर दिए गए, जो रह गए थे जिनके पास पेपर नहीं थे जी, उनको बाकी छोड़ दिया गया था, चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वो पूरे नहीं हो पाए थे जी। सतवीर जी, क्या ये चुनावी स्टंट था कि केवल चुनाव से पहले? चुनावी स्टंट होता तो क्या मैडम ये रातों रात फ्लैट बन गए क्या, हजारों जो 3000 जी? लेकिन जैसा कि योजनाएं लागू कर दी जाती हैं उसके बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं बनता, जो समस्याएं लोगों को पेश आ रही है उसकी सुध आखिरकार कौन लेगा? मैडम वो बात नहीं जो आप कह रहे हैं, चुनावी स्टंट बिल्कुल नहीं था, 3000 फ्लैट रातों रात नहीं बनते। फ्लैट पहले जरूर बना दिए गए होंगे सतवीर जी, लेकिन केवल 150 लोगों को ही वो मकान दिए गए और उनको भी वो जो समस्याएं पेश आ रही है उसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैडम अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब तो वो बहुत झूठी पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर,
ये वायदे करके लोगों को झूठे सपने दिखा के सब भूल गए। एक सूद किसकी लेंगे? वेतन आयोग देंगे, 2000 पेंशन देंगे जी जी, तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देंगे। अब सब देखिए, सब हरियाणा के अंदर पहली बार हो रहा है कि थाने में दो दो कट्टे यूरिया के लिए पर्ची लेनी पड़ रही है। जी सतबीर जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मूलचंद जी, हम बात कर रहे हैं स्लम हाउसिंग सोसाइटी जो प्रोजेक्ट बनाया गया था गरीबों के लिए, उनको केवल 150 लोगों को वहां पर मकान तो दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, जो कांग्रेस सरकार ने जो फ्लैट बनाए थे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जी, इन्होंने कहा था हम आपको इतने कम रेट पे देंगे कि जिसमें आम आदमी रह सकता है जी, पर वो लोग कहते हैं कि इतनी उनके जिस फ्लैट वो जहाँ झोंपड़ी से हटाए थे जी, वो लोग कैसे पेमेंट करेंगे उस मकानों का जी। मूलचंद जी, लेकिन केवल 150 लोग वहां पर रह रहे हैं, कांग्रेस सरकार के समय उनको मकान दिए गए थे, अभी भी कई फ्लैट वहां खाली हैं। जो हमारे साथ कांग्रेस नेता सतबीर जी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि अब जो बीजेपी सरकार है, अब जो समस्याएं हैं वो बीजेपी सरकार को देखनी है, ना कि हुड्डा सरकार है अभी। नहीं, हमारे कोई समस्या, सारे मकानों को हम सारे जो बीपीएल कार्ड के जो गरीब लोग हैं उनको देंगे, और वो लोग सब तैयारी चल रही है, प्रोसेस में है। जो लोग तो ये भी विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों को मकान मिलने चाहिए थे उन लोगों तो मकान दे नहीं पाए लोग, जिन लोगों ने उनको दिए जो इनके चाहते हैं, जो लायक नहीं थे जी, जो बीपीएल के योग्य भी नहीं थे, उन लोगों को मकान दे दिए इन्होंने जी। जी आपको तो झुग्गी झोपड़ी वालों से प्रेम ही नहीं है, आपकी तो पार्टी व्यापारियों की आप तेजी बात कर रहे हैं जी। मूलचंद जी हमारे साथ सतबीर जी बने हुए हैं। सतबीर जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जो मैं बिल्कुल सहमत नहीं मैडम। देखिए, बहुत झूठी पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, ना किसान की है ना मजदूर की पार्टी है, ये केवल व्यापारियों की बात करते हैं। सहमत रहेंगे, सतबीर जी ने कांग्रेस का पानी पी रखा है जी। सतबीर जी कतई सहमत रहेंगे, सतबीर जी मेरे भाई हैं, मेरे मित्र साथी हैं जी, और सब जहाँ मकान बने सतबीर जी वहीं रहते हैं जी। मैं कहता हूँ शर्मा जी, मेरे गांव की जमीन है, ये जो सरकार ने पूरे जिनके पास पेपर्स थे वो दिए फ्लैट, अब आपकी सरकार है, आप उनको दीजिए। नहीं, हमारे सरकार जुम्मा हमें 2.5 महीने हुए कि की लिस्ट बनाने से कांग्रेस की बेकायदियां हुई हैं, जो बेकायदियां हुई हैं राशन कार्ड के उनपे देख के, जो लोग योग्य हैं, जिन लोगों को मिलना चाहिए मकान, उनके हमने बीपीएल कार्ड उनके करके सारे एमसीएफ के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। विधायक जी, सरकार आपकी भी रही है चौटाला जी के साथ मिलके, केवल कांग्रेस की नहीं रही, आपकी बंसीलाल जी के साथ भी रही है। नहीं, हमारे चौटाला कांग्रेस ने मूलचंद जी, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि चलो कांग्रेस सरकार ने तो ये परियोजनाएं बना दी, लेकिन अब आखिरकार लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं उसकी सुध आखिर कौन लेगा? समस्याएं बताई नहीं, समस्याएं बिजली पानी नहीं मिल पा रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है वहां पर, और जो पहले उनको सुविधाएं जो मिल रही थी उससे तो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि बिजली पानी की समस्या है। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस से बहुत प्रशासन कुशल प्रशासन है जी, जहाँ समस्या की बात करते हैं समस्याओं को तो निपटा रहे जो कांग्रेस समस्याएं दी है जी। मूलचंद जी, लेकिन वो कई बारी अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी उनको केवल आश्वासन ही दिया जाता है, समस्या अभी तक नहीं सॉल्व हुई है। नहीं, जो समस्याएं हैं उनको हम करा रहे हैं, ये सफाई की बात है जी, या बिजली की बात है, पानी की बात है, भी हमने एक बहुत बड़ी परियोजना का चालू करा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जी। मूलचंद जी, 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, वो तो देन कांग्रेस सरकार की देन है। 2.5 महीने में कहां से थर्मल पावर खड़ा करते हैं, 2.5 महीना हुआ, आप देखा सी 5 साल में। सतबीर जी, हम क्या क्या करेंगे? शर्मा जी, बिजली पहले थी, किसान को बिजली नहीं मिल रही, बिजली का बिजली नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है। सतबीर जी, जितना चाइना से माल लेके आए थे सारे खराब कर रखे थर्मल पावर आप लोगों ने। चाइना कर्ज बंटवा दिया आप लोगों ने, ये थर्मल पावर बनेगा, यहाँ से सप्लाई होगी, यहाँ से वो होगा, हरियाणा में सरप्लस बिजली देंगे प्रदेश को।
शर्मा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ बड़े भाई, हरियाणा में बिजली सरप्लस थी, कहाँ गई वो? आज नहीं, मैं कह रहा हूँ 48-48 घंटे किसान को बिजली नहीं मिल रही। जी मूलचंद जी, मूलचंद जी और सतवीर जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए, हम लगातार ये जो समस्या है वो उठाते रहते हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से, और ये कार्यक्रम भी अभी जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी, पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी उनका फूल पैदा हुई है जी, पानी भी कुछ अड़क है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करिया जी, हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस्ड कोर्सेज, मोर देन 30 PhD होल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन आवर वेबसाइट। Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Dr. R. K. Agrawal से जानिए विभिन्न बीमारियों का सफल इलाज। हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में रोजाना दोपहर 2:30 से 3 बजे तक केवल हरियाणा न्यूज पर। खास खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त सढ़ोरा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सढ़ोरा से बड़ी खबर है, पंचायती जमीन से ठेकेदार ने 1419 पेड़ काट दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, काटे जाने थे 1102 पेड़, लेकिन ज्यादा पेड़ वहां से काट दिए गए हैं और BDO ने पुलिस को FIR के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर है सढ़ोरा से, आपको बता दें ठेकेदार के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं BDPO ने। और कल्याणपुर अंटारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पेड़ काटने का मामला यहां सामने आया है, पंचायती जमीन से ठेकेदार ने 1419 पेड़ काट दिए हैं और 1102 पेड़ काटे जाने थे, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं और BDO ने पुलिस को FIR लिखने के आदेश दिए हैं। तो इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ सढ़ोरा से हमारे संवाददाता परविंदर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी परविंदर, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी ये एक पेड़ जो पंचायती जमीन है करीबन 36 किले के आसपास कल्याणपुर गांव के अंदर जी 36 किले पड़े हैं पूरी पंचायती जमीन के, जहां पर सफेदे के पेड़
पंचायत के द्वारा लगाए गए थे और ये काटने का एक्चुअली क्या है, इसमें काटने के लायक जो पेड़ हो गए थे जी। और सरपंच ने बीडीओ से बातचीत करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बताया कि जो पेड़ काटने लायक हो गए हैं उन पेड़ों पे निशाने लगाए जाए और गिनके बताया जाए जी। जहाँ पर बीडीओ ने, फॉरेस्ट विभाग ने बीडीओ को जानकारी दी कि 1102 पेड़ कटने लायक है जो कट सकते हैं। सरपंच ने रेजोल्यूशन डाल के यहाँ पर पेड़ कटने का जी। परमिंदर आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए, हमारे साथ बीडीओ योगेश कुमार जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जी। योगेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे जी। आवाज मिल पा रही है आपको योगेश जी? जी मिल रही है जी। जी योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। धन्यवाद जी। योगेश जी आपसे जानना चाहेंगे सढ़ोरा का ये पूरा मामला है जहां 1102 पेड़ काटे जाने थे लेकिन उससे ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं ठेकेदार के, तो क्या है पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मैडम देखिए दिसंबर महीने में हमने पंचायत की ऑक्शन की थी जी, 1102 पेड़ काटे जाने थे जी, परंतु 1102 पेड़ ना काट के ठेकेदार के द्वारा लगभग 1400 पेड़ काट दिए गए जी। और इसकी मामले की पूरी जांच जो हमने 4 सदस्यीय कमेटी गांव के लोगों की थी जी, और वन विभाग के अधिकारी थे जी, उनसे ये जांच करवाई हमने। इसके पश्चात पता चला कि वाकई उन्होंने ज्यादा पेड़ काटे हैं जी, और जो संबंधित ठेकेदार था उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए हमने पूरा केस बनाकर भेज दिया है जी। बीडीओ योगेश कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ठेकेदार ने जब पेड़ काटे गए उनको बोला गया था कि जो पेड़ काटने लायक थे उन पर निशान भी लगाया गया था लेकिन फिर भी उससे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। अब लगातार यहाँ प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं पेड़ नहीं काटने की सजा भी रखी गई है लेकिन उसके बाद फिर ये मामला पूरा सामने आया है, तो क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? बिल्कुल मैडम, उनके खिलाफ जो भी संबंधित हमारा कानून है जी, वन से संबंधित है जी, उनके खिलाफ उनकी धाराओं के तहत उनके उनसे मुकदमा दर्ज किया जाएगा उनके खिलाफ जी, और जितना भी उन्होंने नुकसान किया है पेड़ काटने का उसकी भी असेसमेंट करा के उस उतना उनसे पैसा भरवाया जाएगा, साथ में जो भी जुर्माना होता है जी, वो तो जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो ठेकेदार के खिलाफ हो सकती है वो की जाएगी जी। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पे जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सिरोहरा से आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहाँ पंचायती जो जमीन है वहाँ पर 1102 पेड़ काटे जाने थे लेकिन करीब 1400 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। फिलहाल बीडीओ का कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।